run. 100 kills. क्या बात है सर, क्या बात. तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल. आई होप आप सभी लोग बढ़िया होना, आई भी बढ़िया ना. सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ओनली आर्सेनल गन चैलेंज. और आज की वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा साउंड चेंज देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा तबियत खराब है इसके लिए साउंड थोड़ा सा चेंज है. और इतने दिन से वीडियो भी नहीं आ रही थी इसी रीजन की वजह से. अब देखो, हमें आर्सेनल से गन चाहिए तो लेट से लेट हमें उतरना होगा, और मिल जो है सबसे लास्ट में, तो इसलिए हम मिल पे उतरते हैं. और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में. देखो, इतना लेट से उतरे हैं तो आर्सेनल भी थोड़ा बहुत चार्ज हो ही रहा होगा अभी तक, और थोड़ी देर में हो जाएगा. तो अभी हम फटाफट से उतर के आर्सेनल की यहाँ पे ढूंढते हैं, यहाँ पे मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं. और अगर नहीं मिला तो यहाँ पे 800 टोकन इजीली मिल जाएंगे, उसके बाद हम चेक खोल लेंगे आर्सेनल को. तो अभी देखो, थोड़ा बहुत पॉइंट मिल चुका है और अभी यहाँ पे देख सकते हो 800 पॉइंट हो गया. बट यहाँ पे मुझे बंदी की फुट स्टेप सुनाई दे रही है, तो यहाँ पे अगर बंदा अभी के टाइम में आ गया तो भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी गन नहीं है. और देखो, जिसका डर था वही हुआ, सामने बंदा आ गया, उसके पास MP40 है भाई साहब. समझा भाई, झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे भाई साहब. यहाँ पे क्या ही तो बचाओ यार, इसी थी एक लाइक तो मिलता है. चलो फटाफट से चलते हैं, हमारे पास 900 कॉइन है तो फटाफट से खोलते हैं यहाँ पे. तो चलो चलो जल्दी 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 जल्दी. और ये क्या हुआ भाई, यहाँ पे तो सिर्फ 100 टोकन के अंदर आर्सेनल की मिल रहा है भाई साहब. हमारे साथ तो स्कैम हो गया भाई, ये तो स्पेशल वाला यहाँ पे था वेंडिंग मशीन. तो चलो कोई नहीं, फटाफट से चलते हैं. यहाँ से 200 मीटर कुछ दूर है यहाँ से हमारा आर्सेनल, तो फटाफट से चलते हैं. और यार रास्ते में देख सकते हो यहाँ पे भाई मेरे को एक बंदा मिला था, बट वो किसी से फाइट करने लगा, तो मैंने सोचा यही सही टाइम है यहाँ से निकलने का. फटाफट से चलते हैं आर्सेनल के पास, उसको खोलते हैं, और जैसे ही गन आएगा फिर तो हम लोग तबाही मचाएंगे. चलो अभी मैंने आर्सेनल खोल लिया, तो देखते हैं कौन सी गन मिलती है. फटाफट फटाफट भाई, तो यहाँ पे मेरे को मिल चुका है M14 एंड M1014. तो चलो कोई नहीं, देखो हम लोग जो है गन जो है यहाँ से लेंगे, और बाकी एमओ वगैरह कहीं से भी लूट सकते हैं, मेडकिट वगैरह ये सब चीज़ें हम कहीं से ले सकते हैं. बट हमें इसी गन के साथ खेलना हुआ. तो यहाँ पे देखो, पहला ही बंदा मैंने डाउन कर दिया यहाँ पे. बट यार ये रिवाइव हो रहा है, इसके पास इंजेक्शन है, तो इसे फटाफट से खत्म करते हैं, वरना ये रिवाइव हो जाएगा. तो चलो, एक बंदा यहाँ पे मैंने मार दिया है, और टोटल 2 किल्स हमारे यहाँ पे हो चुके हैं. तो अभी हम चलते हैं फटाफट से आगे, और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है. तो यहाँ पे मेरे को एक बंदे का फुट स्टेप आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लाइन में लगा देता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा देर सर्वाइव करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि जोन भी अभी नहीं आया है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो थोड़ा देर यहाँ पे सर्वाइव करेंगे. और भाई बंदा आ चुका है, उसने लैंड माइन फोड़ दिया मेरा, सख्त सही था यहाँ पे एक बंदा है. तो चलो भाई, यहाँ पे तो काफ़ी मिल जाया था, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि यार भाई ओ भाई बंदा आ भी गया. चलो चलो भागो भागो, पता नहीं उसके पास कौन सी गन होगी भाई. लगा 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 लगा, इसको डैमेज लगा लगा, मर जा भाई. अरे इसके पास ही भाई कितना इंजेक्शन है भाई मैप के अंदर, साहब के पास सारे बंदे के पास इंजेक्शन रहता है. बट यहाँ पे भाई बंदे ने भी काफ़ी अच्छा डैमेज दिया, तो अभी हम यहाँ पे हील कर लेते हैं, थोड़ा बहुत लूट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से आगे. तो चलो अभी फटाफट चलते हैं, और यहाँ पे सामने देख सकते हो कोई एयर ड्रॉप को लूट करता है, तो फटाफट से चलते हैं. अगर ये हमारे हाथ आ गया तो भाई एक और किल हमें मिल सकता है. यहाँ पे 3 किल हमारे हो चुके हैं टोटल, और वहाँ पे एक बंदा है जैसे कि मैं देख रहा हूँ, बट वो जो भाई रेंज से बाहर चला गया. चलो कोई नहीं, यहाँ से निकलते हैं फटाफट से जोन के अंदर. बट पीछे से भाई एक बंदा आ चुका है यहाँ पे गाड़ी लेकर, और भाई गाड़ी से मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है भाई. लेकिन ये क्या भाई, बंदे ने तो अपना मुंह ही मोड़ लिया भाई, कहाँ चला गया. ओ भाई क्या ही डैमेज दे रहा है, अरे काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन भाई, काफ़ी काफ़ी तगड़ा डैमेज दे रहा है ये मेरे को. लैंड में यहाँ पे लगाता हूँ और भागते हैं यहाँ से भाई साहब, काफ़ी गंदा मार रहा है बंदा. ये गया गया भाई, एंड टाइम आ चुका है, इसके पास ओडियन भी है भाई. मैं लैंड माइन के ऊपर आ गया, नहीं भाई, अरे मैं खुद के लैंड माइन पे चला गया, मर गया. ओ क्या बात है भाई, इसके लिए लाइक बनता भाई, सभी लोग एक साथ लाइक को दबा दिया भाई साहब. दो दो ऐसी जगह आई है भाई जहाँ पे मैं क्या ही बचा हूँ यार, इस चीज़ के लाइक बनता, और सभी लोग एक साथ लाइक कर देना. और हाँ, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना. और अगर आप लोग भी मेरे को कोई चैलेंज देना चाहते हो और चाहते हो कि मैं उस चैनल को पूरा करूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मेरे को जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों को अपना चैलेंज लिख देना है. तो अभी मैं इसके ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं ऊपर से काफ़ी बंदों को मार सकूँ ईजिली. बट ये कुछ गलत सीन हो गया भाई, आगे बस बंदा ना हो सामने भाई साहब, जो बोलना हो नहीं होना चाहिए वही चीज़ हो रहा है. और भाई ये बंदा काफ़ी खतरनाक है, देखा इसके पास मैक्स गन थी भाई, इसके पास कुछ मैक्स गन थी, वो गन मैक्स थी, मैंने देखा था. तो भाई अब मैं तेरे को दिखाता हूँ अपना ग्रेनेड भाई, इसके पास काफ़ी ग्रेनेड था, मेरे पास भी काफ़ी ग्रेनेड है, चलो फटाफट से मारते हैं. अरे भाई बंदा है भी कि नहीं भाई वहाँ पे, तो मैंने कितना ग्रेनेड फेंका, बंदा निकल चुका है वहाँ पे, पता नहीं कहाँ है यार. चलो डाल देते हैं पीछेगा, वो भाई पीछे ही है भाई, 57 हेल्थ का थोड़ा है भाई साहब, वो अब रश कर रहा है भाई, कर लेते हैं हील करने दो, उसके बाद मारूंगा उसको भाई साहब. ये बंदा मार के ही मानेगा भाई, काफ़ी ज़्यादा रसर टाइप बंदा है ये. और भाई भाई, तो इस बंदे ने फाइनली मेरे को यहाँ पे मार दिया. देखो मैंने बोला था ना, गन मैक्स है इसके पास, देखो AK भी मैक्स था और यहाँ पे M10 भी मैक्स है इसके पास. तो
कोई नहीं, यहाँ पे जो है हमने कितने किल किए हैं, 4 किल टोटल कर दिए हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना था। तो अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और आई नो आप लोगों को थोड़ा सा साउंड अच्छा नहीं लग रहा तो थोड़ा सा इग्नोर करना। बाकी बस इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वीडियो को फिर भी लाइक कर देना, और अपना चैनल जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाय, लव यू ऑल।